नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए आया हूँ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पूरा वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट करिएगा वीडियो कैसा था। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत को 4 से बढ़ाता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। ए 22, बी 26, सी 28 और डी 25। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे। इसमें बोला गया 19वीं पारी का तो हमें दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे, कि 18 पारियों में रनों की संख्या हमने औसत मान लेंगे x, तो रनों की संख्या हो जाएगी, ये रनों की संख्या हो जाएगी 18x, ठीक है। और फ्रेंड्स, 19वीं पारी का तो हमें दिया हुआ है 98, और इसके बाद क्या है, नहीं क्या दिया है, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस प्रकार अपनी औसत को 4 से बढ़ाता है, तो ये औसत उसकी जो है x का ना, इसमें हम क्या करेंगे, 4 का हर बार औसत क्या करा, 4 से बढ़ा रहा है वो, ठीक है। और टोटल कितनी पारियां हैं, 19 पारियां हैं फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, इसका तो ये 98 या 98 रहेगा, इसका इसमें करेंगे तो 19x हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 चौको होता है फ्रेंड्स 76, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, इन दोनों में से बड़ा ये, वैसे पक्षांतर तो आप कैसे भी कर सकते, लेकिन माइनस नहीं आएगा, इसलिए आप 19x में से 18x को घटा देंगे और यहां से 98 में से आप 76 मतलब 76 को घटा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां से घटाएंगे तो आपका फ्रेंड्स x बचेगा और यहां पे फ्रेंड्स घटाएंगे तो आपका 22 बचेगा। आप क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स, कि वो हर बार अपने औसत में 4 बढ़ा रहा है, तो वरना ये गलत आंसर हो जाएगा, 20 आधा ही आंसर है ना, 22 नहीं आएगा इसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, 22 में हम 4 को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आएगा 26, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का, जो आंसर रहेगा वो इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि दो संख्याएं 35 और 40 को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि 50 संख्याएं टोटल, उनका औसत 30 है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 50 में 30 का गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद क्या बोलेंगे, किसके बाद क्या आएगा, उसने उसने क्या बोला, दो संख्याओं को वो घटा रहा है, तो हटाएगा तो मतलब घटा रहा है, तो 35 और हम 40 दो संख्याओं को हटा देंगे और टोटल 50 थी संख्याएं, लेकिन दो संख्याएं हम हटा रहे हैं तो कितनी बचेगी, यहाँ 48 संख्या बचेंगी, ठीक है। इन दोनों को हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये आएगा आपका 1500 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा 5 और 4 और 3 7 75 फ्रेंड्स, इसके बाद 48 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 5, यहाँ से गया तो ये 2 4 1 मतलब कि ये 1425, और 1425 में हम जब 48 का भाग करेंगे तो फ्रेंड्स आप भाग करके देख लीजिएगा, इसका जो भाग आएगा वो 29.28 फ्रेंड्स 68 ये आएगा, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो डी नंबर का है 29.68। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आदमी 5 कमीजें 450 प्रति पेंट और 4 पेंट 750 प्रति, मतलब एक पेंट जो है 750 का है और एक कमीज जो है वो 450 की है, और 12 जैकेट 750 प्रति का मतलब एक जैकेट की बात कर रहा है कि एक जैकेट 750 की है से खरीदता है, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने 5 वस्तुएं मतलब 5 कमीजें खरीदी 450 की, तो औसत की बात हो रही है तो ये जाहिर सी बात है प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस उसके बाद 4 का पेंट खरीद रहा है वो 750 की, फिर फ्रेंड्स प्लस करेंगे हम इसको, 12 जैकेटें जो हैं वो खरीद रहा है 750 की, और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है नंबर ऑफ वस्तु मतलब टोटल जिन क्या जाएगा, ये तीनों को हमें जोड़ना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनका हमें गुणा करना पड़ेगा पहले, है ना, तो आप बताइए कैसा क्या होगा। तो सबसे पहले इनका गुणा करेंगे तो इसका जाएगा आपका गुणा फ्रेंड
देखिए इसका गुणा करेंगे 0 5 25 हासिल 2 5 को 20 और 2 22, तो इसका आ गया 2250। इसका करेंगे तो 4 का 0 0 4 5 20 हासिल 2 4 28 और 2 30। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 से कर देता हूँ मैं फ्रेंड्स, 12 0 का 0 12 5 60 हासिल 6 12 7 84, 12 5 60 12 6 72 84, 84 में अपन 6 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90, तो मतलब 9000। और जब इन सब को हमने जोड़ा, ठीक है, इन सब को हमने जोड़ा, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और यहाँ 9 में से जोड़ेंगे तो अपन इसका कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 21। और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14250। और यहाँ से जाएगा आपका, ये भाग करेंगे जब इसका हम, इसका जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास 678.57 इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर का ए नंबर का जो आपका ऑप्शन रहेगा वही आपका सही रहेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि शिक्षक की आयु कितनी मान लेंगे हम, x, तो टोटल इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे, ये 14% बचेगी। और स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 24 हैं, ठीक है फ्रेंड। और शिक्षक की आयु हम क्या करेंगे, इसमें हमने x मानी है तो इसको हम प्लस करके रख देंगे अलग से, ठीक है। और टोटल 15 जनों की टोटल आयु औसत बताई थी, और कितनी बताई थी यहाँ पे अपने पास 25, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बढ़ा लिया उसमें फ्रेंड्स, जब हम इसका गुणा करेंगे इसका गुणा आएगा 336 प्लस एक्स, और इसका गुणा करेंगे फ्रेंड्स तब तो 15 5 75 हासिल, और 15 2 30 और 7 37, तो 375 आ गया इसका, इसका 336 आया, इसका 375 आया। फिर जब एक्स का मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो इसमें हम इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इसका जाएगा 39 वर्ष, जो कि आपका आंसर रहेगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा, डी नंबर में आपका 39 नंबर का है, तो आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसमें 5 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है, ठीक है। इसका हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 230, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं करूँगा तो वीडियो लंबी होती जा रही है। और प्रथम 4 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 45 फ्रेंड्स, तो इसका कितना हो जाएगा, 180। और जब हमें क्या करना है, 5वीं संख्या निकालनी है, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से आ गया तो 5 और यहाँ 0, तो आपका आंसर फ्रेंड्स 50 जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाए तो बताइए कि कक्षा की नई औसत ऊंचाई कितनी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए 10 तो पहले से ही थे, है ना, और 20 हो गए तो ये 30 हो गए टोटल। देखिए तो मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10 विद्यार्थियों की कितनी थी, 105, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितनी हो जाएगी, 1050। और 20 स्टूडेंट जो थे उनकी कितनी है, 120 है, तो ये आपकी हो जाएगी 1050। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये क्या टोटल आपके पास, ये ऊंचाइयां आ गई दोनों, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और नीचे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 10 प्लस 20, तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना, तो हमारे पास आ जाएगा 3450 और बटे में 30, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे आप, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 5 15, तो 115 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सी नंबर का जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, जो पहले दिया हुआ है वो पहले उसका रहेगा, और जो दूसरा जो दूसरे की आयु दी है वो उसका रहेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 है, यदि बी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो हम क्या कर दोनों को मानना पड़ेगा कि हमारे पास ए की आयु जो है वो 2x रहेगी और बी की आयु जो रहेगी वो 3x रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद हम नीचे इतना करने के बाद हम नीचे पढ़ते हैं, यदि बी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष अधिक है। फ्रेंड्स बी की आयु मतलब हमने क्या करा, 3x में से 2x को प्रश्न अनुसार उसको हम माइनस कर रहे थे, तो कितनी अधिक आ रही, 3 अधिक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, x का मान कितना जाएगा फ्रेंड्स, 3 है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद पूछिए, तो मतलब ये पहले प्रेजेंट तो निकालें, तो प्रेजेंट में आपकी ए की आयु हो जाएगी 2x, मतलब 2x बराबर मतलब 2 × 3, तो ये आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स 6। और इसमें 2 वर्ष बाद की, तो ये तो पहले की जो थी, अभी 2 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 8 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 वर्ष मतलब आपका डी नंबर का आंसर जो है वो सही। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 35 है, यदि एक संख्या 23 को एक्स से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हमें 5 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 175 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक संख्या निकाल ली तो हमारे पास 4 संख्या बची, तो चार चार संख्याओं का योगफल फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा हमें, एक संख्या में दे दिए 23, 23 को एक्स में बदलेंगे ना, तो पहले हम इसको में 175 में से 23 को घटा लेंगे, तो हमारे पास 4 संख्या का योगफल आ जाएगा 152 फ्रेंड्स। फिर हम क्या करेंगे, 152 प्लस एक्स बटे टोटल कितनी संख्या थी, 5। औसत में फ्रेंड्स कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो 35 तो पहले ही था, तो ये हो जाएगा आपका 37। इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब तिर्यक गुणा करना पड़ेगा 37 में 5 का। तो फ्रेंड तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 185, 5 × 7 = 35, हाँ 15 और 3 = 18, और ये एक्स, और ये यहाँ से 152 यहाँ पे जाएगा, और फिर जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 3, और ये भी 3 और यहाँ 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, तो 33 देख लीजिए आपका कौन सा सी नंबर का जो आंसर रहेगा वो आपका 33 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। माँ की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के औसत के योग, आयु के योग का अंतर 6 वर्ष है, तो पुत्रियों का औसत आयु 22 वर्ष है, माँ की आयु क्या होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हमें माँ की आयु को हमें एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, माँ की आयु को एक्स मानने के बाद फ्रेंड्स हमें उसकी 2 पुत्रियाँ थी, और दोनों की ही आयु का औसत कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 22 आ रहा है, तो हम 22 में 2 का गुणा कर देंगे, और इनका अंतर कितना है फ्रेंड्स, 6 आ रहा है फ्रेंड्स अंतर, तो 6 हम लिख देंगे साथ में। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स माइनस 22 दूनी हो जाएगा 44, और ये 6, और जब हम इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो फ्रेंड्स माँ की आयु जो है वो 50 वर्ष आ गई, डी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु को शामिल किया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें भी सबसे पहले हमें एक काम करते हैं, पहले इसमें हम पहले लाइन पढ़ते हैं, मतलब 4 बहनों की औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष है, तो चारों बहनों की जो टोटल आयु रहेगी वो हम निकालेंगे ऐसे, 7 × 4 = 28, टोटल आयु कितनी हो गई, 28 वर्ष हो गई ना। तो फ्रेंड इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि माँ की आयु को भी शामिल करेंगे, तो 4 में हम माँ को भी शामिल करेंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, है ना फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद अपन 7,
ये तो इनकी टोटल आयु हो रहा था, और 6 वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 7 प्लस 6 ये हो जाएगा, और इन दोनों का फ्रेंड्स हमें क्या करना है, गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 और 1, एक काम करते यहाँ नहीं करते, 4 और 1 हो जाएगा ये 5, और 6 दुनी 12 और 1 13, तो 13 पंचे ये हो जाएगा आपका 65, टोटल वर्ष आ रहा 65। ठीक है मेरे फ्रेंड, अब फ्रेंड्स 65 वर्ष टोटल आयु आ रही है, और जो बच्चों की आयु थी, बहनों की जो आयु थी वो कितनी, 28 वर्ष है, तो इसमें से हम 28 को घटा देंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास 37 वर्ष जो कि आंसर रहेगा डी नंबर का, इसका जो आंसर है वो सही रहेगा। थैंक यू सो मच, वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।